everyone, this is me Jolly Yadav and welcome back to our channel Reality 360 Degree. आज मैं आप सभी को लेकर आई हूँ एक्सटेंशन में सेक्टर 16B पर एंड आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक ओपी चौक है जो कि हमारे आज के प्रोजेक्ट से हार्डली 50 मीटर के डिस्टेंस पर है। आज मैं आप सभी के लिए जो प्रोजेक्ट लेकर आई हूँ इट्स अ रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट एंड द नेम ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज आरजी लग्जरी होम्स। प्रोजेक्ट पर जाएं उससे पहले हम थोड़ी सी आगे कनेक्टिविटी समझ लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक मूर्ति चौक है एंड यहाँ से आपका वॉकिंग डिस्टेंस पर है हमारा प्रोजेक्ट। प्लस आपको इस प्रोजेक्ट से सेंट्रल नोएडा की कनेक्टिविटी मिल जाती है। नोएडा सेक्टर 52 मेट्रो स्टेशन यहाँ से अराउंड 7 से 8 मिनट की डिस्टेंस पर है। उसके अलावा NH24 आपका अराउंड 5 मिनट की ड्राइविंग डिस्टेंस पर है। SMG एक्सप्रेस वे भी आपका अराउंड 5 मिनट की ड्राइविंग डिस्टेंस पर है। दैट मींस आपको नोएडा की मेजर एक्सप्रेस वे की भी यहाँ से कनेक्टिविटी मिल जाती है एंड ऑन रोड प्रोजेक्ट है हमारा आज का। तो मैं आपको लेकर चलती हूँ हमारे प्रोजेक्ट आरजी लग्जरी होम्स पर। एंड गाइस वी हैव रीच्ड द साइट ऑफ आरजी लग्जरी होम्स। ये प्रोजेक्ट ऑन रोड प्रोजेक्ट है जैसे मैंने आपको शुरू में बताया है। प्लस आपको नोएडा एक्सटेंशन की मेजर लोकेशंस भी यहाँ से नियर बाय मिल जाती हैं। जैसे अगर मैं मॉल्स की बात करूँ तो 3 मेजर मॉल्स आपके यहाँ से 1 किलोमीटर के रेडियस में है, जैसे कि गैलेक्सी बिलू सफायर, गौर सिटी मॉल, डायमंड प्लाजा। ये सब के सब आपके यहाँ से हार्डली 2 से 3 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस पर है। प्लस प्रोजेक्ट के बैक साइड पे आपको 5 से 6 मेजर स्कूल्स भी मिल जाते हैं। उसके अलावा अगर हॉस्पिटल की मैं बात करूँ तो यथर्थ हॉस्पिटल यहाँ से नियर बाय है। गूगल डेटा सेंटर भी आपका अराउंड 7 से 8 मिनट की ड्राइविंग डिस्टेंस पर है। दैट मीन्स बिजनेस हब्स भी आपको नियर बाय डिस्टेंस पर मिल जाते हैं एंड ये हमारे प्रोजेक्ट की साइट है। अगर मैं इस प्लॉट की बात करूँ तो ये आपका 3 साइड ओपन प्लॉट है एंड यहाँ पर आपको इन टोटल 3 एंट्री एंड एग्जिट गेट्स मिल जाते हैं जिसमें कि आपकी 3 tier सिक्योरिटी रहेगी। एंड गाइस अब मैं आपको लेकर चलती हूँ प्रोजेक्ट के अंदर। एंड गाइस मैं प्रोजेक्ट के अंदर आ चुकी हूँ। ये जो प्रोजेक्ट है आपका 3 साइड ओपन प्रॉपर्टी में बना हुआ है एंड पूरा प्रोजेक्ट साइज आपका रहेगा 18.5 एकड़ में। यहाँ पर आपके 13 टावर है एंड प्रोजेक्ट आपके Phase 1 and Phase 2 में डिवाइडेड हो रखा है। Phase 1 में आपके लिए 2, 3 and 4 BHK अपार्टमेंट्स की इन्वेंट्रीज हैं एंड ये आपका 99% सोल्ड आउट हो चुका है। इन टोटल यहाँ पर 13 टावर है। Phase 2 में आपके 4 टावर रहेंगे जहाँ पर आपके लिए 3 BHK अपार्टमेंट्स की इन्वेंट्रीज रहेंगी। Phase 1 नियर टू पोजेशन सेगमेंट में है एंड इस साल जून या जुलाई तक ये कम्प्लीटली डिलीवर हो जाएगा। वही Phase 2 आपका 2025 में कम्प्लीटली डिलीवर हो जाएगा। अगर मैं ग्रीन एरिया की भी बात करूं तो यहां पर 7.5 एकड़ में कम्प्लीटली आपका ग्रीन एरिया रहेगा जिसमें कि पार्क एरियाज रहेंगे, आउटडोर गेम एरिया रहेगा, साथ ही साथ किड्स प्ले एरिया रहेगा। उसके साथ साथ क्लब हाउस की भी बात की जाए तो आपका लगभग 45,000 स्क्वायर फीट के साइज में यहाँ पे क्लब हाउस रहेगा जिसमें सारी अमेनिटीज मौजूद रहेगी, स्विमिंग पूल रहेगा, जिमनेजियम रहेगा एंड सारे आपके इंडोर गेम्स रहेंगे। उसके साथ साथ प्रोजेक्ट के अंदर एक किड स्कूल भी है जहाँ प्रीमिसेस के अंदर ही आपको एक स्कूल भी मिल रहा है जो कि आपका 10,000 स्क्वायर फीट के एरिया में बना हुआ है। एंड गाइस आप इस पीछे देख सकते हैं टावर्स बन के खड़े हो गए हैं, कंस्ट्रक्शन और पूरी हो चुकी है। Phase 1 में तो सिर्फ और सिर्फ आपका फिनिशिंग का काम चल रहा है यानी कि टाइम से ये डिलीवर कर दिए जाएंगे एंड Phase 2 भी बहुत ही जल्दी डिलीवर हो जाएगा। ये जो प्रोजेक्ट है ये आपका नियर टू पोजेशन एंड रेडी टू मूव सेगमेंट में है। एंड गाइस अब मैं आपको लेकर चलती हूँ यहाँ के एक सैम्पल अपार्टमेंट में। सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट। ये सोसाइटी आपकी पोडियम बेस्ड सोसाइटी है। सो अगर मैं यहाँ के टावर हाइट की बात करूँ तो यहाँ पर आपके लिए G+28 and 29 के टावर हाइट के साथ सभी के सभी टावर्स रहेंगे एंड सभी टावर्स में आपके लिए लॉबी एरिया प्रेजेंट है जहाँ पर आपका रिसेप्शन एरिया रहेगा एंड गेस्ट वेटिंग एरिया रहेगा। सो दिस इज द लॉबी एरिया ऑफ दिस टावर। यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर आपका रहेगा गेस्ट वेटिंग एरिया एंड दिस साइड इज द रिसेप्शन एरिया। यहाँ पर आपकी 24/7 सिक्योरिटी गार्ड्स प्रेजेंट रहेंगे। एक्सेस करने के लिए आपके पास 4 लिफ्ट का प्रोविजन भी रहेगा जिसकी आप देख लीजिए। एक बार पीछे आपके 2 अपार्टमेंट रहेंगे, इस तरफ 2 अपार्टमेंट रहेंगे, इस तरफ 2 अपार्टमेंट रहेंगे एंड सामने आपके 2 अपार्टमेंट रहेंगे। और अभी मैं आपको एक सैंपल अपार्टमेंट दिखाने वाली हूँ जिसका साइज रहेगा
1565 स्क्वायर फीट, इट इज अ 3 BHK अपार्टमेंट एंड ये एक सेमी फर्निश्ड अपार्टमेंट है। इसमें आपको कंप्लीट मॉड्यूलर किचन मिलेगी एंड यहाँ पर आपको सारे बेडरूम्स में वार्डरोब्स भी मिलेगी। इनफैक्ट इट इज नॉट अ सैम्पल अपार्टमेंट, इट्स द एक्चुअल अपार्टमेंट। तो वीडियो में आप इसे जैसा देखेंगे सेम एज इट इज आपको डिलीवर किया जाएगा एंड दिस इज द एंट्रेंस टू द सैम्पल अपार्टमेंट, सो लेट्स गो इनसाइड एंड चेक इट आउट। सो गाइस, जैसे ही आप एंटर करोगे यहाँ पर आपको फॉयर एरिया मिल जाता है एंड फॉयर एरिया के बिल्कुल आगे रहेगा आपका लिविंग एंड डाइनिंग एरिया। सो दिस साइड कंप्लीट इज योर लिविंग एरिया एंड सामने रहेगा आपका डाइनिंग एरिया, प्लस आपको लिविंग एरिया में बालकनी का एक्सेस भी मिल रहा है। तो ये आपकी लिविंग एरिया की प्राइवेट बालकनी रहेगी एंड लिविंग एंड डाइनिंग के बिल्कुल साथ रहेगी आपकी। एक्चुअली इस अपार्टमेंट में थोड़ा भी फिनिशिंग का काम चल रहा है, आप कुछ चीजें यहाँ पर ऐसी देखेंगे ऊपर हो रखी है, बट जिस कंडीशन आपको जब ये डिलीवर किया जाएगा तो आपके कंप्लीट फिनिश लुक के साथ आपको ये डिलीवर किया जाएगा। तो लाइक आई वाज सेइंग, ये आपकी मॉड्यूलर किचन रहेगी, आपको यहाँ पर पूरा वुडन वर्क कम्प्लीट करके दिया जाएगा, कैबिनेट्स प्रॉपर आपको लगा के दिए जाएंगे एंड उसी के साथ साथ किचन में आपको यूटिलिटी एरिया भी मिल रहा है। तो ये रहेगा आपका यूटिलिटी एरिया जिसे आप एज अ वॉशिंग एरिया भी यूज कर सकते हैं। And moving on towards this area, मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि ये रहेगा आपका डाइनिंग एरिया। यहाँ पर आपके विंडो भी है जिससे आपके रूम में क्रॉस वेंटिलेशन होता रहेगा एंड दिस पैसेज लीड्स टू आवर 3 bedrooms। सबसे पहले ऑन माय राइट इज आवर बेडरूम नंबर 1, सो लेट्स गो इनसाइड एंड दिस इज बेडरूम नंबर 1। आप देख सकते हैं वीडियो में काफी डिसेंट साइज में आपको ये बेडरूम मिल रहा है। यहाँ पर आपको एक वार्डरोब लगा के दी जाएगी, वुडन वर्क आपको पूरे अपार्टमेंट में कम्प्लीट करके दिया जा रहा है एंड इस रूम में आपको एक बालकनी भी मिल रही है, तो ये काफी डिसेंट साइज में आपकी बालकनी रहेगी। साथ ही साथ आपको विंडो भी मिल रही है फॉर द पर्पस ऑफ क्रॉस वेंटिलेशन एंड मूविंग टुवर्ड्स दिस एरिया। सो दिस साइड इज द मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में आपको वुडन टेक्सचर की यहाँ पर फ्लोरिंग मिल जाती है एंड यहाँ पर आपकी एक अटैच वॉशरूम रहेगा, एक एल शेप्ड बालकनी रहेगी, प्लस यहाँ पर आपको एक वार्डरोब फिट करके दी जा रही है एंड लेट्स फर्स्ट चेक आउट द बालकनी। सो ये आपको एल शेप्ड यहाँ पर बालकनी मिल रही है जो कि काफी ह्यूज है, सो बहुत ही अच्छे साइज में बालकनी है एंड दिस इज द अटैच्ड वॉशरूम। यू कैन सी द साइज ऑफ दिस वॉशरूम, बहुत ही स्पेशियस वॉशरूम है। टाइमिंग आपको पूरी कंप्लीट करके दी जाएगी, प्लस फिलहाल यहाँ पर फिटिंग्स नहीं लगाई गई है। मैंने आपको बताया था अभी फिनिश का काम चल रहा है, बट जब आपको ये डिलीवर किया जाएगा ये अपार्टमेंट, तो आपको पूरी फिटिंग्स के साथ ये वॉशरूम दिया जाएगा एंड मास्टर बेडरूम के सामने आप देखिए तो यहाँ पर एक कॉमन वॉशरूम भी है। ये वॉशरूम भी आपको पूरा कम्प्लीट करके दिया जाएगा एंड दिस इज द थर्ड एंड लास्ट बेडरूम ऑफ दिस अपार्टमेंट। ये भी बहुत ही स्पेशियस साइज में एंड अगेन यहाँ पर भी आपको वॉर्डरोब मिलेगी एंड उसके नेक्स्ट आप देखिए तो यहाँ पर रहेगा बालकनी। तीनों रूम्स में आपको यहाँ पर बालकनी मिल रही है, इनफैक्ट आपको लिविंग रूम में भी बालकनी मिल रही है, यानी कि पूरे अपार्टमेंट में आपके नेचुरल एयर एंड लाइट का फ्लो हमेशा बना रहेगा थ्रू द डे। सो गाइस, दैट वाज ऑल अबाउट आवर टुडेस प्रोजेक्ट आरजी लग्जरी होम्स, जिसकी लोकेशन थी सेक्टर 16B नोएडा एक्सटेंशन। ये आपका ऑन रोड प्रोजेक्ट था जो कि एक मूर्ति से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है, प्लस आपको प्रोजेक्ट के आसपास सभी मेजर हॉटस्पॉट्स को मिल जाते हैं, चाहे वो मॉल्स हो, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो, हॉस्पिटल्स हो या फिर कॉलेजेस हो। अगर आपको ये अपार्टमेंट पसंद आया है, अगर आपको ये सोसाइटी पसंद आई है, तो प्लीज हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। बट अगर आपको अभी भी नहीं आई है तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो सोसाइटी है ये आपकी माईवान फ्रेमवर्क पे बनी है, यानी कि कंस्ट्रक्शन पर आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। उसके साथ साथ 3 साइड ओपन प्रोजेक्ट है, लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है। 18.5 एकड़ के इस प्रोजेक्ट में सिर्फ आपकी 2500 units के अप्रॉक्स बनेंगी, जो कि इस प्रोजेक्ट को एक लो डेंसिटी प्रोजेक्ट बनाता है एंड ये आपका नियर टू पोजेशन सेगमेंट का प्रोजेक्ट है। बहुत ही कम ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो आपको रेडी टू मूव या नियर टू पोजेशन सेगमेंट में मिलते हैं, बट दिस प्रोजेक्ट इज वन ऑफ देम। तो अगर आप अभी नियर टाइम में अपना घर ढूंढ रहे हैं और शिफ्ट होना चाह रहे हैं तो दिस प्रोजेक्ट इज परफेक्ट फॉर यू। फेज 1 इसका 99% सोल्ड आउट हो चुका है, बट फेज 2 में अभी भी काफी इन्वेंट्रीज बाकी है एंड फेज 2 में आपके पास 3 BHK अपार्टमेंट का ऑप्शन है जिसका साइज रहेगा 1175 square feet एंड यहाँ का मिनिमम इन्वेस्टमेंट प्राइस रहेगा आपका 65 lakhs only, that too all inclusive।
बचे प्राइस जल्द ही रिवाइज हो जाएंगे, इसलिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं यहाँ पर, या आप इन अपार्टमेंट को खरीदना चाहते हैं, या फिर यहाँ पर आके इस सोसाइटी को, एक बहुत ही खूबसूरत सोसाइटी को विजिट करना चाहते हैं, तो आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर प्राइस किसी भी समय बदल भी सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपके पास सोसाइटी शॉप्स का भी ऑप्शन है, अगर आप एक सोसाइटी शॉप ढूंढ रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो आरजी लक्ष्मी होम्स में आपको वो भी ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आपकी अराउंड 90 ग्राउंड फ्लोर पर कमर्शियल शॉप्स हैं, तो अगर आप वहाँ पर भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। एंड गाइस, दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हिट द लाइक बटन, ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल बीआरडी 360 डिग्री फॉर मोर प्रॉपर्टी रिलेटेड वीडियोस, एंड बेल आइकन को आप दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। विद दैट आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।